एबीपीएस न्यूज़। घरेलू गैस सिलेंडर फटने पर आपको मिल सकते हैं 40 लाख रुपए। जी हाँ, आज एबीपीएस न्यूज के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपका घरेलू गैस सिलेंडर किसी कारणवश फट जाता है और उससे जानमाल की हानि होती है तो आप किस प्रकार गैस कंपनी पर क्लेम करके अपने नुकसान का मुआवजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर आज लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। एलपीजी गैस सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे होने वाले हादसों को हम भुला नहीं सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार 100 से भी ज्यादा हादसे गैस सिलेंडर फटने से होते हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं के नाते गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने पर एलपीजी बीमा दावा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एलपीजी बीमा पॉलिसी के प्रति जागरूकता की कमी के कारण एलपीजी उपभोक्ता दुर्घटना होने पर बीमा दावा नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके इस गैस सिलेंडर का 40 लाख रुपए तक का बीमा होता है? अगर आपका सिलेंडर फट जाए या उससे कोई हादसा हो जाए तो आप इस बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। दरअसल ज्वलनशील होने के कारण स्वच्छ गैस बेहद खतरनाक होती है, इसलिए इससे होने वाली दुर्घटना पर ग्राहक अधिकतम 40 लाख रुपए के बीमा का हकदार होता है। एलपीजी कंपनी जैसे एचपी, भारत इत्यादि और एलपीजी वितरक एवं लोकल गैस कंपनियां तृतीय पक्ष दायित्व बीमा थर्ड पार्टी लिबर्टी इंश्योरेंस के लिए बीमा कवरेज लेती हैं। नियमों के मुताबिक हादसे की सूरत में 40 लाख का बीमा कवर होता है, जबकि 50 लाख रुपए सिलेंडर फटने या मौत होने की सूरत में क्लेम किया जा सकता है। दुर्घटना में पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाती है। दरअसल यह बीमा ग्राहक को नहीं करना पड़ता। पेट्रोलियम कंपनियों, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम के वितरकों को यह बीमा करना पड़ता है। इन लोगों को ग्राहकों और अन्य प्रॉपर्टीज के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेना पड़ता है। हमारी सरकार ने भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिया। यदि आपके साथ भी हादसा हो जाता है तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले हादसे की पुलिस को सूचना दें और एलपीजी वितरक को भी एक लिखित सूचना दें। फिर FIR, घायल के इलाज के पर्चे, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट संभाल कर रखें। यदि दुर्घटना में परिसर व भवन को भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी को अपना नुकसान का पता लगाने के लिए अपना सर्वेक्षण भेजना होगा। इसी नियम से आप अपने नुकसान का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम जल्द ही आपको एबीपीएस न्यूज के माध्यम से किसी अन्य नियम की जानकारी देंगे जिससे आपको फायदा हो। आप एबीपीएस न्यूज से समय समय पर अपडेट लेते रहें और एबीपीएस न्यूज को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर न्यूज अपडेट मिलती रहे।